बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में सोमवार को लगभग 75 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्राविधिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री आशुतोष टंडन उर्फ गोपाल जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री व विधायक फतेह बहादुर सिंह, सांसद कमलेश पासवान, नगर विधायक डॉ राधा मोहन दास अग्रवाल, महापौर सीताराम जायसवाल, चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण विभाग के महानिदेशक डॉ के गुप्ता, उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव डॉ रजनीश दुबे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उपेंद्र शुक्ला, पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, कमिश्नर अनिल कुमार, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गणेश कुमार सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके पश्चात मुख्यमंत्री का स्वागत एकल पुष्प भेंट कर किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटन दबाकर मेडिकल कॉलेज में लगभग 75 करोड़ की लागत से विविध कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। समारोह को संबोधित करते हुए नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने मेडिकल कॉलेज को विकसित करने को लेकर पूर्व के आंदोलनों पर प्रकाश डालते हुए योगी आदित्यनाथ के संघर्षों और कार्यों की सराहना की। शिलान्यास और लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए प्राविधिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री आशुतोष टंडन उर्फ गोपाल जी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद चिकित्सा शिक्षा और पेशेंट केयर के विषय में बहुत काम किया गया है। मेडिकल कॉलेज में ओपीडी में टोकन सिस्टम लागू किया जाएगा और मरीजों की केस हिस्ट्री सुरक्षित रखी जाए। समारोह को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 75 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण संपन्न हुआ है। यहाँ बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक के कार्यकाल में प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेज का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। आने वाले दिनों में राज्य के 8 जिलों में नए मेडिकल कॉलेजों के शिलान्यास की योजना बन रही है। वहीं गोरखपुर में एम्स का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि बीआरडी का भविष्य बेहतर है। चिकित्सकों और पत्रकारों से अपील किया कि मेडिकल कॉलेज की अच्छी छवि बनाएं, ताकि लोग यहाँ विश्वास के साथ आएँ। एक माह बाद हम फिर यहाँ आएंगे और मेडिकल कॉलेज में CRC की स्थापना करेंगे। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र गोरखपुर ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी, माननीय महापौर नगर निगम गोरखपुर श्री सीताराम जायसवाल जी, माननीय विधायक बासगांव डॉक्टर विमलेश पासवान जी, माननीय विधायक कैंपियरगंज श्री फतेह बहादुर सिंह जी, माननीय विधायक सहजनबाग श्री शीतल पांडे जी, माननीय विधायक जी, माननीय प्रधानाचार्य बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज डॉक्टर गणेश कुमार जी, मैं डॉक्टर शिल्पा, मैं डॉक्टर शालिनी, समस्त बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज परिवार की तरफ से आज विभिन्न परिवार से पधारा गणमान्य नागरिकों, कॉलेज के अधिकारियों, पत्रकार बंधुओं, छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। यह कॉलेज पूर्वांचल का एकमात्र चिकित्सा संस्थान है, जहां न सिर्फ गोरखपुर से गरीब जनता अधिकांशतः इलाज हेतु आती है। कुछ सुविधाओं के ना होने की वजह से पूर्व में कुछ उत्तर प्रदेश शासन डॉक्टर रजनीश दुबे जी से अनुरोध करती हूं कि वे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी का पुष्प से स्वागत करें। धन्यवाद सर कि वे दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम पर दीप ज्योति कराबन, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो मां करातु पापम, दीप ज्योति नमस्ते। Thank you.
धन्यवाद सर, मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि जब 2002 में पहली बार एक सांसद के रूप में इसी गोरखनाथ मंदिर के प्रांगण, इसी मेडिकल कॉलेज के प्रांगण से इसी मेडिकल कॉलेज को बचाने का एक अभियान योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में छेड़ा गया था, एक ऐतिहासिक पदयात्रा इस मेडिकल कॉलेज से निकाल करके कमिश्नर के ऑफिस तक हम लोगों ने उस समय ले जाने का काम किया था। और उसके बाद लगातार यह अभियान चलता रहा। एक सांसद के रूप में, गोरखछुपी के उत्तराधिकारी के रूप में योगी आदित्यनाथ की लगातार यह चिंता रही कि पूर्वांचल के इस इकलौते और एकमात्र मेडिकल कॉलेज की स्वास्थ्य सुविधाओं को किस प्रकार से बेहतर किया जाए और नागरिकों की मरीजों की देखरेख किस प्रकार से अच्छी हो सके यह सुनिश्चित किया जाए। लगातार गोरखपुर में सड़कों पर आंदोलन करना, लगातार लोकसभा में विभिन्न प्रकरणों पर विभिन्न तरीकों से मेडिकल कॉलेज की विभिन्न सभाओं को समस्याओं को उठाना, चाहे वो इनके फ्लैटिस की समस्या रही हो, चाहे वो यहाँ के स्टाफ नर्सेस की समस्या रही हो, चाहे वो यहाँ के कर्मचारियों और छात्रों की समस्या रही हो, या इसी गोरखपुर में एम्स बनाने की समस्या रही हो, हम सब ने इस बात की गर्व की अनुभूति की थी कि मुख्यमंत्री बनने के पहले एक सक्रिय और संघर्षी जनप्रतिनिधि के रूप में, एक सांसद के रूप में योगी आदित्यनाथ ने बहुत मुखर तरीके से गोरखपुर की आवाज बनकर के, पूर्वांचल की आवाज बनकर के देश के सारे नेताओं को, चाहे वो किसी भी दल के रहे हो, भाजपा की तो सत्ता ही नहीं थी उस समय, किसी भी दल के वो रहे हो, उन्हें इस बात के लिए मजबूर किया था कि वो गोरखपुर की ओर अपनी निगाहें डालें और गोरखपुर मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था को ठीक करने का काम करें। हम लोगों ने ध्यान से देखा, आपके प्रयासों से तत्कालीन सरकार के मंत्री तो आए, माननीय गुलाम नबी आजाद जी भी यहां आ चुके थे, बड़ी बड़ी घोषणाएं तो की गई, लेकिन जमीनी धरातल पर जब उन घोषणाओं को लागू करने का समय आया तो चुनावी घोषणाओं के सिवाय उसमें जमीनी धरातल पर कुछ किया नहीं गया। शिक्षा के अभाव में मृत्युकाल को जाते थे, उनके जीवन को बेहतर करने के लिए आपके जो प्रयास किए हैं उसके लिए आपके प्रति आभार प्रकट करता हुआ, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हुआ अपनी बात। इतिहास में आज एक महत्वपूर्ण दिन है जब एक साथ इतने कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा होने जा रहा है। मित्रों, तमाम सरकारें आई और गई, सबने अपने अपने हिसाब से काम किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, आदरणीय योगी जी के मार्गदर्शन में पूरी सरकार ने एक नई कार्य संस्कृति को प्रस्तुत किया है। हर विभाग में छोटे से लेकर बड़े कार्यों की विवेचना करके, उनकी प्रॉपर एनालिसिस करके और किस क्रम में आवश्यकता अनुसार कार्य किए जाएं, वो कार्य योजना बनाकर एक साल सवा साल में जितनी तेजी से काम हुए हैं वो आप सबके सामने है। चिकित्सा शिक्षा विभाग, माननीय मुख्यमंत्री जी के हर विभाग पर नजर रहती है और उनका आशीर्वाद रहता है, लेकिन चिकित्सा शिक्षा विभाग पर उनकी विशेष कृपा है। जब सरकार बनी, चिकित्सा शिक्षा विभाग में जितने संस्थान हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहां जब देखा गया, नजर डाली गई, तो हर जगह जहां हाथ रखो वहीं उचित व्यवस्था नहीं थी, चाहे शैक्षणिक व्यवस्था हो चाहे पेशेंट केयर। मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार एक मेडिकल एजुकेशन स्ट्रेटजी सेल बनाया गया और उसमें जो प्रदेश के वरिष्ठ विशेषज्ञ हैं उनको यह आग्रह किया गया कि एक एक मेडिकल कॉलेज में आप जाएं, कम से कम 2-3 दिन आप वहां रहें और अपने साथ एक टीम ले जाइए और आप उसी फील्ड के विशेषज्ञ हैं,
एक रोड मैप तैयार करने में हमारी मदद करिए कि कौन से काम आवश्यक हैं, कौन से अति आवश्यक है, कौन से तत्काल होने हैं, कौन से फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में, और उसके आधार पर एक रोड मैप तैयार हो। आज आप देख रहे हैं प्रदेश के सारे मेडिकल कॉलेजेस में आमूलचूल परिवर्तन की ओर कार्य हो रहे हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आज जितनी योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास हो रहे हैं, इनसे कॉलेज की पूरी दशा में परिवर्तन आपको नजर आए। यहाँ जो बच्चों के वार्ड है उसमें 79 बेडेड एक प्री फैब्रिकेटेड वार्ड बनाया गया और 3 महीने के रिकॉर्ड समय में मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार वो बन के तैयार हुआ है। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसका लोकार्पण करने वाले हैं। मित्रों, पेशेंट के साथ आने वाले तीमारदारों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। एक रैन बसेरा एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर बनाया गया जो बन के तैयार है 100 बेड का, और 125 बेड का एक रैन बसेरा सूडा के द्वारा निर्मित होने वाला है जिसका शिलान्यास आज मुख्यमंत्री जी करेंगे। एक बहुत बड़ा वेटिंग एरिया वो बन रहा है, रिसेप्शन ब्लॉक। पेशेंट आते हैं, उनके साथ तीमारदार आते हैं, कहां बैठे, कोई जगह प्रॉपर नहीं। एक विशाल एरिया बन रहा है, कम से कम उसमें 200-300 कुर्सियां पड़ेंगी। वहां रजिस्ट्रेशन काउंटर होगा, वहां कैश काउंटर होगा, वहां अमृत फार्मेसी होगी, वहां किसी बैंक का एटीएम भी होगा, वहां पब्लिक टॉयलेट्स भी होंगे, वहां कोई कॉफी शॉप भी होगी, एक बैठने की प्रॉपर व्यवस्था होगी। मेडिकल कॉलेज में सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सके, मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया कि प्रदेश के सारे मेडिकल कॉलेज को ई हॉस्पिटल में परिवर्तित किया जाए। ई हॉस्पिटल के तहत एक पूरा हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम वो मूर्त रूप ले रहा है और संभवतः अगस्त या सितंबर के प्रथम सप्ताह में उसका प्रथम चरण आरंभ हो जाएगा और उसमें ई हॉस्पिटल के मतलब सारी सेवाएं ऑनलाइन होगी। उसके जो एकेडमिक अरेंजमेंट्स हैं और पेशेंट केयर, कोई भी आएगा उसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा। अगर कोई ओपीडी में अपना नंबर लगाता है, टोकन नंबर उसका बहुत देर में आता है, घंटों से बैठे रहना पड़ता है, अगले चरण में ये व्यवस्था भी होने वाली है कि वो घर बैठे अपना टोकन नंबर ले ले और उसको एक अंदाज हो जाएगा कि मुझे कितने बजे यहाँ आना है। पेशेंट की केस हिस्ट्री ये भी उस व्यवस्था में सुरक्षित रहेगी। ईश्वर न करे अगर कुछ वर्षों के बाद उसे फिर आना पड़े तो उसकी केस हिस्ट्री वहां सुरक्षित रहेगी। तमाम कार्य हो रहे हैं। यहां पर जो भी योजनाएं हैं, जो कार्य शेष हो गए रह गए उनके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि पूरी कार्य योजना बना के प्रस्तुत की जाए। मुख्यमंत्री जी का निर्देश हम सबको निरंतर मिलता रहता है, हर वक्त एक ही चिंता रहती है कैसे कितनी तीव्र गति से काम हो, जनहित के कार्य हो, जनता को सुविधा मिल सके। मैं अपनी ओर से, विभाग की ओर से, आप सब की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत मैं उपस्थित प्रदेश के प्राविधिक एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री आशुतोष टंडन जी, माननीय सांसद कमलेश पासवान जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, श्री फतेह बहादुर सिंह जी, महेंद्र पाल सिंह जी, श्री डॉक्टर विमलेश पासवान जी, श्री शीतल पांडे जी, श्रीमती संगीता यादव जी, संत प्रसाद जी, राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, विपिन सिंह जी MLC, देवेंद्र प्रताप सिंह जी, महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, दाड़ी मेडिकल कॉलेज के सभी चिकित्सकगण, उपस्थित प्रबुद्धजन, भाइयों बहनों, एक साथ लगभग 75 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण और
भूमि पूजन कार्यक्रम का आज का एक कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो रहा है। मैं इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी और उनके पूरे विभाग को हृदय से साधुवाद देता हूँ और प्यारे मेडिकल कॉलेज परिवार को बधाई देता हूँ और अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। मेडिकल कॉलेज पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के देश से यहां की लाइफ लाइन है और इसलिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज यहां पर अपने बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा सके, हम लोगों ने इसके लिए निरंतर प्रयास किया है। मुझे याद है जब पहली बार मैं सांसद चुना गया था, आज से 20 वर्ष पूर्व, तो उस समय सबसे पहली समस्या मेरे सामने गोरखपुर की आई थी, वह थी बीआरडी मेडिकल कॉलेज की मान्यता को एनसीआई के द्वारा समाप्त करना। तब भी हम लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी और आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य कर रहा है, अभी तो जिस बीआरडी मेडिकल कॉलेज की मान्यता पर एनसीआई की तलवार सदैव लटकी रहती थी, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज की मान्यता के सामने अब कोई संकट नहीं है, बल्कि नए सत्र में अगले वर्ष हम लोगों का प्रयास होगा कि यहाँ पर यूजी की जो सीटें हैं, एमबीबीएस की जो सीटें हैं, उसमें बढ़ोतरी हो और बेहतर सुविधा पूर्वी उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राओं को प्राप्त हो सके। यह एक प्रयास प्रारंभ हुआ है। यहाँ पर एक समय सीमा के अंदर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के अंदर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बहुत सारे कार्य प्रारंभ किए और उन कार्यों को बड़ी प्रमुखता के साथ यहां पर लागू करने का प्रयास किया। हम अपने चिकित्सा संस्थानों की समस्या को समझ सकते हैं, ये समस्याएं बहुत सारी जगह फैकल्टी की है, चिकित्सकों की है, संसाधनों की है और क्षमता से अधिक मरीजों की भी है। जब हम बीआरडी मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो हम केवल इसको पूर्वी उत्तर प्रदेश को देख करके नहीं जोड़ते, पश्चिम उत्तर बिहार और नेपाल की तराई का भी एक बड़ा भूभाग अपने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आता है, गोरखपुर में आता है। हम किसी को मना नहीं कर सकते, हमने कभी किया भी नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य पर हर नागरिक का अधिकार है, वो चाहे उत्तर प्रदेश का हो चाहे कहीं का भी हो, और इसलिए उसे बेहतर सुविधा प्रदान करना हम सबका दायित्व है। अपने इसी उत्तर दायित्व को ध्यान में रखकर के यहाँ पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कार्य के लिए एक सकारात्मक सोच बहुत आवश्यक है। एक सिरे से नकार देना कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कुछ नहीं हो रहा है, स्वास्थ्य विभाग में कुछ नहीं हो रहा है, मुझे लगता है वास्तविकता को झुठलाने जैसा है। मुझे याद है सवा वर्ष पहले क्या स्थिति थी और आज सवा वर्ष के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिले हैं वो सबके सामने हैं, चाहे वह चिकित्सा शिक्षा का हो चाहे वह स्वास्थ्य विभाग का हो। कुछ चीजें ऐसी होती थी प्रदेश के अंदर जिसके कारण केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं सामूहिक रूप से प्रदेश के अंदर लागू नहीं हो पा रही थी। 1947 में देश आजाद हुआ, 1947 से लेकर के और 2014 तक इस देश ने 67 वर्षों तक उत्तर प्रदेश में केवल 13 मेडिकल कॉलेज बनाए और आप आश्चर्य करेंगे
कि केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन होने के बाद अकेले उत्तर प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेज पिछले वर्ष भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश के अंदर बनने प्रारंभ हुए और 8 नए मेडिकल कॉलेज इस नए सत्र में हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर बनाने जा रहे हैं। जो 5 मेडिकल कॉलेज विगत वर्ष प्रारंभ हुए थे उनमें बस्ती, बहराइच, फैजाबाद, फिरोजाबाद और शाहजहांपुर, इन 8 स्थानों पर ये मेडिकल कॉलेज का काम तेजी के साथ चल रहा है। पिछली सरकारों ने इसमें भी रोड़े अटकाने के कार्य किए, कहीं जमीन संबंधी विवाद खड़े कर दिए, कई जमीन ऐसी जगह दे दी जहां कॉलेज बन ही नहीं सकता है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा चिकित्सा शिक्षा विभाग को कि एक वर्ष के अंदर इन्होंने इन सारी समस्याओं का समाधान किया और आज उन सभी मेडिकल कॉलेजेस की प्रगति 25% से लेकर 50% तक उनकी भौतिक प्रगति वहां देखने को मिल सकती है। और हमारा प्रयास है कि नए सत्र में उन सभी मेडिकल कॉलेजेस में प्रवेश भी हो। इस नए सत्र में हम लोगों ने 8 नए मेडिकल कॉलेजेस जो हम बना रहे हैं उनमें देवरिया है, सिद्धार्थनगर है, मिर्जापुर है, फतेहपुर है, एटा है, हरदोई है और इस प्रकार से हम 8 स्थानों पर नए मेडिकल कॉलेजेस भी बना रहे हैं। और हमारा प्रयास है सारी कागज की जितनी भी कार्रवाई होनी है सभी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल मिर्जापुर में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम भी कल संपन्न किया। कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। 67 वर्षों में उत्तर प्रदेश को एक अधूरा आधा एम्स मिला और वह भी रायबरेली में आज तक बन नहीं पाया। एक वर्ष में जो प्रोग्रेस हम लोगों ने वहां पर की उसका परिणाम है कि हम जुलाई अंत तक या फिर अगस्त तक हम उसकी ओपीडी प्रारंभ कर पाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद प्रदेश का पहला एम्स गोरखपुर को मिला, उसका कार्य युद्ध स्तर पर गोरखपुर में प्रारंभ हो चुका है। उत्तर प्रदेश को कैंसर संस्थान मिले, कई अन्य एम्स जैसे संस्थान उत्तर प्रदेश को मिले। प्रदेश के अंदर लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस केंद्र सरकार देना चाहती थी कि हर जिले को हम 2 INS देना चाहते हैं, इसलिए सरकार नहीं देती थी। कहीं ऐसा ना हो कि इसका श्रेय मोदी जी को मिल जाए या भाजपा को मिल जाए। लेकिन हम लोग जैसे ही आए हमारे स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल इस कार्य को आगे बढ़ाया और आज उसका परिणाम है कि हम लोग आने के तत्काल बाद 3 महीने के अंदर 150 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस हम लोगों ने हर जनपद को उपलब्ध कराए। 2-2 एम्बुलेंस आज लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस हर जनपद में चल रही है और 108 की लगभग 750 से अधिक एम्बुलेंस हम लोग फिर से प्रदेश के अंदर नई एम्बुलेंस लेकर के आने वाले हैं जिससे हम 108 के रिस्पांस टाइम को और कम कर सके। आज भी हमारे सामने समस्या बनी हुई, हम ये मेडिकल कॉलेज जो बना रहे हैं हम लोगों ने इसके लिए कुछ शर्तें शिथिल की हैं। NCI और भारत सरकार से इसके बारे में बराबर अपील करते हुए अगर हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे तो उसके पीछे कारण है हमें अच्छे चिकित्सक मिल सके। चिकित्सकों की भारी कमी आज भी हम सबके लिए चुनौती बनी हुई है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जो कार्य होना चाहिए, जिस प्रकार की सुविधाएं दी जानी चाहिए, सारी सुविधा संसाधन उपलब्ध कराने के बावजूद भी हम वहां फेल हो जाते हैं जहां पर चिकित्सक वहां मौजूद नहीं होता या नहीं मिलता है। और इसलिए नए मेडिकल कॉलेज आकर के इनसे निकलने वाले चिकित्सक उन सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा सके, इस दृष्टि से विगत 4 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग
भारत सरकार के सहयोग से 13 नए मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे हैं। एम्स की स्थापना गोरखपुर में होने जा रही है और भी बेहतर सुविधाएं हम लोग आगे बढ़ाने की व्यवस्था कर रहे हैं। ये प्रयास भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग ने, स्वास्थ्य विभाग ने अपने स्तर पर प्रारंभ किए हैं। कल आपने देखा होगा गरीबों को यहां पर, चूंकि चिकित्सक ज्यादा हैं, और मैं अपील करूंगा, मैं बहुत बार देखता हूं कि एक ही दवा जो 300 रुपए की मिल सकती है गरीब को, पेशेंट को, उसके लिए जो महंगे साठ होते हैं 600, 1200, 1500 रुपए का लिख दिया जाता है। हम लोगों ने जन औषधि केंद्र का शुभारंभ भी स्वास्थ्य विभाग ने कल किया है। 100 स्थानों पर प्रदेश के जन सुविधा औषधि केंद्र कल प्रारंभ हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने मिर्जापुर में उसका शुभारंभ भी किया। आप देखेंगे दवा कितनी सस्ती मिल सकती है किसी पेशेंट को। एक डॉक्टर के प्रति एक सामान्य मरीज किस आस्था के साथ आता है, लेकिन वह आस्था तब धूमिल होती है, उस आस्था तब कुंद होती है जब कहीं ना कहीं उसको लगता है कि उसके साथ धोखा हो रहा है। और मैं अपील करूंगा, एक डॉक्टर की सबसे बड़ी पहचान होती है उसकी मानवीय संवेदना। याद करिए रावण का वैद्य भी अपने दुश्मन लक्ष्मण को जीवित करने के लिए, अपने धर्म का पालन करने के लिए आया था कि मेरा मानवीय धर्म है कि चाहे मेरे लिए युद्ध के मैदान में पक्ष या विपक्ष कोई मायने नहीं रखता, जो भी आएगा एक डॉक्टर का दायित्व बनता है उसको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। अगर कोई चिकित्सक भेद करता है, मुझे लगता है वह अपने इस चिकित्सीय व्यवसाय के साथ धोखा कर रहा है। और यह स्थिति हम सबको अपने सामान्य जीवन में भी देखनी पड़ेगी कि एक डॉक्टर की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वह मानवीय संवेदन, मानवीय रूप से कितना संवेदनशील है। इस संवेदनशीलता की आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। अगर इस संवेदनशीलता हमारे संस्थान एक बार अपने सभी नए चिकित्सकों के अंदर भर सके तो कोई कारण नहीं कि जिस चिकित्सक की ड्यूटी पीएससी पे है वो पीएससी से महीने महीने गायब नहीं रहेगा। वहां रह करके ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा। किसी सीएससी पर है, उस सीएससी में रह करके अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा। और अगर ये कार्य होने प्रारंभ हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि ये विश्वास फिर से बहाल हो सकता है। उस विश्वास को बहाल करने के लिए मैं बियाड़ी मेडिकल कॉलेज के अपने सभी जो यहाँ के आचार्यगण हैं, जो यहाँ पर सीनियर और जूनियर रेजिडेंट चिकित्सक हैं, उन सबसे मैं अपील करूंगा कि वे इसके साथ अपने आप को जोड़ने का कार्य करेंगे तो बेहतर परिणाम सामने आएंगे। यहां पर विगत वर्ष मैं पिछले 40 वर्षों से बियाड़ी मेडिकल कॉलेज में इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतों के आंकड़ों को देखता हूं तो ये बात सामान्य रूप से प्रदेश और देश के अंदर लोग ये मानते हैं कि सारे के सारे पेशेंट गोरखपुर के हैं। ऐसा नहीं है, गोरखपुर के पेशेंट तो इसमें मुश्किल से 20% भी नहीं होते होंगे, 15 से 20% होंगे। लेकिन गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में, बियाड़ी मेडिकल कॉलेज में आने वाले हर उस पेशेंट को बेहतर सुविधा देना ये हमारा दायित्व है, यह तो हम करें। साथ ही साथ इसको और बेहतर करने के समय क्या प्रयास हो सकते हैं। हम लोगों ने इस बार दो बार ये संचारी रोग पखवाड़ा पूरे युद्ध स्तर पर उन सभी संवेदनशील जनपदों में इसको एक अभियान के रूप में लिया। जो इंसेफ्लाइटिस या जितने भी विषाणु जनित बीमारियां हैं, इन सब से बचाव और इनके उपचार के लिए क्या कुछ किया जाना है इसके बारे में हम प्रत्येक नागरिक को बता सकें, आम जन के बीच में जागरूकता पैदा कर सकें।
आप सब जानते हैं कि इंसेफ्लाइटिस उपचार से ज्यादा इसमें बचाव महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। और इस दृष्टि से मैं आह्वान करूंगा बीआरडी मेडिकल कॉलेज के जितने भी हमारे यहां पर चिकित्सक हैं उनसे कि प्रयास करें सप्ताह में एक दिन 2 घंटे 4 घंटे ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के लोगों के बीच जाकर के चौपाल का कार्यक्रम करके लोगों को रोगों से बचाव के लिए जागरूक करने में, स्वच्छता के प्रति अभियान चलाने में, क्योंकि इंसेफ्लाइटिस के को पूरी तरह समाधान किया जा सकता है इसका, बशर्ते अगर हम शुद्ध पेयजल और स्वच्छता के प्रति लोगों को आग्रही बना सके। और इस दिशा में एक नए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इसमें बड़ी भूमिका हमारे चिकित्सा संस्थानों की हो सकती है। चिकित्सा संस्थान में आप सब जानते हैं कि यहां पर विगत एक वर्ष के दौरान चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बहुत सारा कार्य करने का प्रयास किया, जो तात्कालिक रूप से यहां के आने वाले प्रत्येक मरीज के हित में हो उस प्रकार की कार्रवाई की गई, उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। साथ ही साथ यहां पर प्रदेश सरकार के द्वारा एक बाल चिकित्सा संस्थान भी बनाया जा रहा है। बाल चिकित्सा संस्थान के साथ ही यहां पर भारत सरकार के सहयोग से 8 नई सुपर स्पेशलिटी के ब्लॉक का भी निर्माण यहां पर हो रहा है। ये कार्य युद्ध स्तर पर चले, कार्यदायी संस्थाओं से मैं कहूंगा कि इन सब को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाएं, क्योंकि बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहले तो एकमात्र एकमात्र गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज था, लेकिन आने वाले समय में बीआरडी मेडिकल कॉलेज को एम्स की प्रतिस्पर्धा में अपने आप को खड़ा करना है। और एम्स की प्रतिस्पर्धा में आप कहां खड़े होंगे वो आपकी क्वालिटी पर निर्भर करेगा। आपकी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं यहां के चिकित्सकों का मरीजों और मरीज के परिजनों के प्रति व्यवहार, चिकित्सा संस्थान के प्रति उनका समर्पण और उनकी सेवा का भाव इस बीआरडी मेडिकल कॉलेज को एम्स से प्रतिस्पर्धा कराएगा। और इसलिए मैं आह्वान करूंगा अपने आप को उस रूप में आगे बढ़ाइए। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मैं अक्सर देखता था, क्योंकि मैं पिछले 20-22 वर्षों से यहां पर आता रहा हूं, देखता रहा हूं, और मैं इस बात को महसूस करता हूं कि इधर मानसिकता भले बदली हो, लेकिन बीच में बीआरडी मेडिकल कॉलेज की बीमारू स्थिति को देख करके बहुत सारे यहां के आचार्य भी उस बीमारू मानसिकता के हो चुके थे। अरे साहब ये तो बंद हो जाएगा, देर सवेर बंद हो जाएगा। हम लोग कहते थे बंद नहीं होने देंगे, लेकिन उनकी मानसिकता थी कि नहीं बंद हो जाएगा, कोई बचा नहीं पाएगा। लेकिन मैं आज फिर कह सकता हूं बीआरडी मेडिकल कॉलेज का बेहतर भविष्य है, और उस बेहतर भविष्य के लिए आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए। वर्षों के बाद यहां की सड़कें बननी प्रारंभ हुई, वर्षों के बाद यहां पर अन्य जो बुनियादी सुविधाएं हैं उन बुनियादी सुविधाओं को फिर से यहां पर बहाल करने की कार्य प्रारंभ हुआ है। और मुझे लगता है हम सबको भी पुनः अपने उस रूप को ढूंढना पड़ेगा जहां पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज ने कभी अपनी एक प्रतिष्ठा बनाई थी। मैं अपील करूंगा सबसे, समाज के उन सभी प्रबुद्धजनों से भी, कि वे नकारात्मक छवि बीआरडी मेडिकल कॉलेज की बनाने की बजाय उसकी एक अच्छी छवि प्रस्तुत करें, क्योंकि इतना ज्यादा लोड इसके ऊपर है, उसको देखते हुए अगर हम नकारात्मक छवि बनाएंगे तो यह विश्वास टूटता है एक चिकित्सक और मरीज के बीच का। आज की हमारी सबसे बड़ी चुनौती क्या है, एक मरीज और चिकित्सक के बीच का एक विश्वास बहाल करना, लोग विश्वास के साथ आ सकें कि मैं अपने पाले को लेके जाऊंगा, मैं अपने पेशेंट को लेके जाऊंगा चिकित्सक के बीच, चिकित्सक के पास, तो उनके द्वारा जो परामर्श दिया जाएगा उस परामर्श के अनुरूप जब मैं उसका उपचार कराऊंगा तो वह स्वस्थ होकर के वापस घर आ जाएगा। एक बड़ा विश्वास होता है, और इस विश्वास को बहाल करना
मुझे लगता है इसमें समाज के प्रबुद्ध जनों की बड़ी भूमिका हो सकती है, मीडिया की बड़ी भूमिका हो सकती है, क्योंकि नकारात्मक लिखना और बाद में अगर गलत हो गया तो उसके लिए माफी, चुपचाप माफी भी मांगना वाला विषय है, लेकिन सकारात्मक लेखनी लेकर के जो अच्छा कार्य हो रहा है अगर उसको भी हम प्रमुखता के साथ आगे बढ़ा सके तो मुझे लगता है वह हमारी सृजनात्मकता को प्रदर्शित करेगा, हमारी समाज के प्रति, उत्तरदायित्वों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को भी व्यक्त करता हुआ दिखाई देगा। नकारात्मकता से किसी का भला नहीं होने वाला है, नकारात्मकता हमारी स्वयं की ऊर्जा को समाप्त करता है और हमें कुंठित करके स्वयं डिप्रेशन का शिकार बनाता है। तो हम डिप्रेशन हो बल्कि एक सकारात्मक सोच के साथ, अच्छी सोच के साथ कार्य कर सकें, आगे बढ़ा सकें, प्रोत्साहित कर सकें, और हमें इस बात के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज को प्रोत्साहित करना चाहिए कि अपने सीमित संसाधनों से इन्होंने बेहतर कार्य करने का प्रयास किया। जहां पर अच्छे कार्य हुए हैं उसको प्रोत्साहित करिए, और जब आप उसको प्रोत्साहित करेंगे तो समाज के अन्य लोग भी उससे प्रेरणा प्राप्त करेंगे। लेकिन जब हम अच्छे कार्य को ढक देंगे और बुराइयों को ही निकालने के लिए हम लोग जा जा करके फिर उस कार्य को करने लग जाएंगे तो फिर समस्या का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि जब लोगों को हर जगह बुरा ही बुरा दिखाई देगा तो उसके सामने अच्छा आदर्श कहां से प्रस्तुत कोई कर पाएगा। लोगों के सामने अच्छा करने के लिए अच्छे आदर्श रखने पड़ेंगे, अच्छी चीजें प्रस्तुत करनी पड़ेंगे, और अच्छी कार्यों को प्रोत्साहित करने के सामने एक बेहतर प्रयास हो सकता है जिसमें मीडिया का रोल हो सकता है, समाज के तमाम सांस्कृतिक संगठनों का, राजनीतिक संगठनों का, स्वयंसेवी संगठनों का और प्रबुद्ध जनों की एक बड़ी भूमिका हो सकती है कि समाज में जहां कहीं अच्छा हो रहा है उस अच्छे को हम प्रमुखता के साथ समाज के सामने रखें और फिर अन्यों को उससे प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित करें। एक बड़ा कार्य हो सकता है, हमारी राष्ट्र के प्रति बहुत बड़ी सेवा हो सकती है, और जिससे हम लोग आह्वान करेंगे कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जो अच्छा हो रहा है, जो अच्छा हुआ है उसको भी हम प्रमुखता के साथ आगे बढ़ाएं, उसको प्रमोट करें, क्योंकि उसको प्रमोट करने का परिणाम होगा कि अन्य लोग उससे प्रेरित होंगे और अन्य लोगों के सामने भी एक टारगेट होगा कि हमें भी इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, इधर बढ़ना है, इधर जाना है। वह एक बेहतर प्रयास, उसका मैं आह्वान आप सबसे करूंगा। हम लोगों ने यहां पर, जो मैंने पहले भी कहा कि आज यहां पर बहुत सारी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लोकार्पण भी हो रहा है, शिलान्यास भी हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ यहां पर अभी एक महीने के अंदर हम लोग फिर से आने जा रहे हैं और यहां पर एक फुल फ्लेज सीआरसी देने जा रहे हैं। भारत सरकार के सहयोग से कंबाइंड रिहैबिलिटेशन सेंटर की स्थापना यहां पर होगी, उसके लिए हम लोग एक महीने के अंदर ही बीआरडी मेडिकल कॉलेज में फिर से आएंगे। आज तो मैं यहां पर केवल आया था इस बात को लेकर के इंसेफ्लाइटिस से पूर्व हम लोग एक बार यहां पर समीक्षा बैठक ले लें और देखें उसके बारे में क्या तैयारियां हुई हैं। लेकिन मैं दोनों कार्यों के लिए एक महीने के अंदर फिर से आने जा रहा हूं, जिसमें सीआरसी होगा और आरबीसी होगा, जिसमें रीजनल वायरोलॉजी सेंटर की स्थापना यहां पर भारत सरकार के सहयोग से, वह भी सारी औपचारिकता उसकी पूरी हो चुकी है, हम लोग उसके लिए यहां पर पुनः आने जा रहे हैं, और सीआरसी की स्थापना भी यहां पर होगी, यह भी भारत सरकार के सहयोग से। दोनों कार्य यहां पर एक महीने के अंदर, इन कार्यों के लिए हम लोग यहां पर आएंगे। मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि जो बेहतर प्रयास विभिन्न क्षेत्रों में सरकार के द्वारा प्रारंभ हुए हैं हम उसको समाज के सामने युद्ध स्तर पर ले जाएं। एक बहुत बड़ी सेवा हो सकती है अगर किसी व्यक्ति को शासन की योजना, शासन की योजनाओं से जो लोग वंचित रहे हैं, अगर हम शासन की योजनाओं से उन्हें अवगत करा करके उन योजनाओं से लाभान्वित कर लें, बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। जो शासन की योजनाओं में लीकेजेस हैं, इसका मुख्य कारण है जागरूकता का अभाव। हम अधिक से अधिक अवेयरनेस पैदा करें, जनता को जागरूक करें, और जनता को जागरूक करने का यह परिणाम हम सबके सामने आएगा, एक बहुत बड़ी मानवीय सेवा हो सकती है। मैं आज के इस अवसर पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज प्रशासन को हृदय से बधाई देता हूं
जो आज एक साथ 75 करोड़ से ऊपर की परियोजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास और लोकार्पण करके वे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पूर्वी उत्तर प्रदेश और यहाँ पर आने वाले उन सभी मरीजों को उपलब्ध करवाएंगे जो एक विश्वास के साथ यहाँ पर आते हैं। मैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री और उनके पूरे विभाग को हृदय से धन्यवाद दूंगा जिन्होंने यहाँ पर एक वर्ष के अंदर ही इन सब कार्यों को यहाँ पर लागू किया है और युद्ध स्तर पर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेस में आमूलचूल परिवर्तन करने के एक संकल्प के साथ विभाग कार्य कर रहा है। इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबकी प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। मार्गदर्शन के लिए आपके अत्यंत आभारी है।